हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बोलतास किचन। अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ पॉम्फ्रेट मसाला फिश फ्राई रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए हम दो पॉम्फ्रेट अच्छी तरह से साफ करके कट लगा लिए बीच में के, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। इसमें हाफ लेमन जूस डालेंगे और नमक हल्दी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें। अगर और भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में यूट्यूब बोनदास किचन चैनल में जाके आप वॉच कर सकते हैं। नमक हल्दी डाल के अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से नमक हल्दी लेमन जूस को लगा देंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से अच्छे से लगा ले। अब इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और इसमें ग्रीन चिली भी एक है, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, आप इस पाउडर भी ले सकते हैं, रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ चम्मच, जीरा पाउडर हाफ चम्मच और धनिया पाउडर भी हाफ चम्मच डालें। और ये आटा के पाउडर, राइस फ्लावर, चावल के पाउडर आप डालें, डाल के एक चम्मच अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लगा के कुछ देर छोड़ दे। अब हम सरसों के ऑयल लिए हैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में फिश का कुछ टेस्ट अलग ही आते हैं, इसलिए मेरा सजेशन है आप सरसों के तेल ही यूज़ करें। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करके अब इसमें पॉम्फ्रेट को हम डाल देंगे। मीडियम फ्लेम रखें, मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से एक साइड को आप फ्राई कर लें। एक साइड फ्राई हो गया हमारा, अब इसको हम पलटी करके दूसरे साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। इसी तरह से आप भी अच्छी तरह से फ्राई करें। ये फिश तो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पकाएं। पलटी करने के टाइम धीरे से करें, नहीं तो टूट सकते हैं। चलिए, इसी तरह से हमने पलट पलट के अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिए हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो गए, अब इसे हम सर्व करेंगे। हमने बना दिए हैं पॉम्फ्रेट फिश फ्राई मसाला फिश फ्राई। राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, आपके मनपसंद चाहो किसी के साथ खा सकते हैं। इसका लुत्फ़ उठाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी वीडियोस देखने के लिए बोनदास किचन में जाएं। मेरी पूरी रेसिपी को देखने के लिए थैंक्स।